सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मन जी, कितना अपूर्व चित्र है, कितना अनुकरणीय चित्र है प्रभु राम का, कितना विलक्षण चित्र है प्रभु राम का। मातेश्वरी सीता का भी कुछ कम नहीं, हिमालय पर्वत जैसी विपत्ति सिर पर आने पड़ी है, कहीं विचारों में किसी प्रकार की डिस्टॉर्शन नहीं है, कितना बैलेंस्ड मन है प्रभु राम का, कितनी बैलेंस्ड थिंकिंग है मां सीता की। ये चीजें इतना आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, युगों युगांतरों तक अनुकरणीय रहेंगी। आंख बंद करके पढ़ते हैं, कान बंद करके सुनते हैं, तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। खुली आंख पढ़ते हैं, खुले दिमाग पढ़ते हैं, खुले कानों सुनते हैं, तो प्रभु राम का चरित्र, मातेश्वरी सीता का चरित्र अति अनुकरणीय दिखाई पड़ता है। जय जयकार उनकी करने को मन करता है। वह राम, वह मां सीते। ध्यान दे देवी सज्जनों, बेशक हम उन्हें भगवान का स्थान, परमेश्वर का स्थान, पर ब्रह्म परमात्मा का स्थान देते, मां सीता को जगजननी का स्थान देते हैं, मानते भी हैं, पूछते भी हैं, लेकिन श्री रामायण जी में उन्होंने एक मानव की भूमिका निभाई है। जो कोई मानव ऐसी भूमिका निभा के दिखाए वह ब्रह्म कहलाने योग्य। कल आप जी ने पढ़ा होगा, राजा दशरथ ने, मां के कई ने राज्याभिषेक की जगह वन में जाने की आज्ञा दी, सब कुछ उलट हो गया, हर्षो उल्लास मातम में बदल गया। तो
प्रभु राम एवं लक्ष्मण दोनों सीधे उनकी आज्ञा पाकर मां कौशल्या के महल में गए हैं, उन्हें सूचना देने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। आज्ञा तो हो गई, उनकी अनुमति लेने के लिए मां अम्बे मुझे इजाजत दे जंगल में जाने की। प्रभु राम की मर्यादाओं की ओर कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार की कोई गलती ढूंढने से भी, खोजने से भी दिखाई नहीं देती। मां ये बात सुनती है तो उसका कलेजा कांप जाता है, मानो हृदय फड़फड़ाता हुआ बाहर निकल गया हो। सब कुछ सुनने के बाद मां रोती है, बिलखती है, आखिर मां का हृदय है। बेशक ज्ञान की प्रतीक है, लेकिन जहां अपनों की बात आती है देवियों सज्जनों, ज्ञान में यही कमी है कि ज्ञान उस वक्त हवा हो जाता है। औरों के लिए तो ज्ञान ज्ञान है, उपदेश देने के लिए तो ज्ञान है, कथा करने के लिए तो ज्ञान है, अपने आप को ज्ञानी विद्वान कहलाने के लिए तो ज्ञान है, लेकिन जिस वक्त आचरण में आना चाहिए और विशेषतया अपनों के लिए, उस वक्त ज्ञान प्रायः हवा हो जाता है। मां कौशल्या ज्ञान की प्रतीक हैं, लेकिन सामने पुत्र खड़ा है, राज्याभिषेक होने वाला है, मां तैयारियां कर रही है, नाश्ता बना के रखा हुआ है, तुझे वहां बहुत समय लग जाएगा, नाश्ता इत्यादि कर ले, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं लेते प्रभु, मुझे जंगल जाना है, जो वहां खाने को मिलेगा वही खाना है, ये भोजन मैंने बहुत किए हैं, बस पिताश्री की आज्ञा है, मां के कई की आज्ञा है, मुझे इस आज्ञा का पालन करना है। बिलखती मां को देख के तो लक्ष्मण रुष्ट होते हैं, क्रुद्ध होते हैं। बड़ी मां, जो राम का अधिकार छीनेगा मैं उसके प्राण छीन लूंगा, अब राम को कहो राज्याभिषेक की तैयारी करें, मैं हूं ना, कौन माई का लाल है जो मेरे सामने मेरे राम का अधिकार छीन सकेगा। पिता जो इस वक्त कैकेयी के मोह वश में है, मैं उनका हनन कर डालूंगा, भरत को मार डालूंगा, भरत के मामा को मार डालूंगा, इनमें से कोई भी मेरे सामने आएगा और वह राम का अधिकार छीनना चाहेगा तो मैं उसके प्राण छीन लूंगा, प्राण हरण कर दूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं, शांत है। लखन, जो तुम कह रहे हो सत्य है, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, धरती उल्ट पुलट तुम कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं तेरे बल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, पर ये बल दिखाने का ये समय नहीं है। मेरे और कैकेयी के मध्य में प्रारब्ध आ गई है, दैव आ गया है, कर्म गति आ गई है, अन्यथा इतना प्रेम करने वाली कैकेयी अचानक मेरे ऊपर इस प्रकार से बिगड़ जाए, ये संभव नहीं, ये कैकेयी कैकेयी नहीं है, इसके ऊपर कोई दैवी कोप छाया हुआ है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा वह करती ना, इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ होता ना। जहां प्रारब्ध आ जाए, जहां विधाता बीच में आ जाए, लक्ष्मण वहां क्रोध काम नहीं करता। किस पर क्रोध कर रहा है?
इस नश्वर देह पर, इस नश्वर राज्य की प्राप्ति पर, ये सब चीज नश्वर है, ये सारे के सारे संबंध नश्वर। अध्यात्म रामायण में साधक चिरवर्णन आता है, भगवान श्री का प्रथम उपदेश लक्ष्मी को शुरू होता है, मां कौशल्या को तो बाद में उपदेश देंगे, पहले लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण, ये क्रोध का समय नहीं है। आदमी जानता है ये देह नश्वर है, संसारिक वस्तुएं नश्वर है, शाश्वत एक आत्मा है या परमात्मा है। इसके बावजूद भी वह अपने आप को मैं देह हूं ये मानता एवं स्वीकारता एवं उसी के अनुरूप अपना आचरण करता है। लखन, यही अविद्या है, पराविद्या इस अविद्या का निराकरण करती है। इसी अविद्या के कारण हमारा जन्म पुनर्जन्म होता है। पराविद्या इस अविद्या का निराकरण करती है, इससे छुटकारा दिलाती है। काम एवं क्रोध, भगवान के शब्द सुनो, काम एवं क्रोध इस पराविद्या की प्राप्ति में मुख्य बाधाएं। अकेला क्रोध पर्याप्त है। भगवान श्री इस वक्त लखन क्रुद्ध है, उपदेश अनुरूप दे रहे हैं। लखन, अकेला क्रोध पर्याप्त है इस पराविद्या की प्राप्ति के में रुकावट डालने के लिए। ये पराविद्या को प्राप्त नहीं होने देता, क्रोध इतनी बड़ी बाधा है, इसलिए इस क्रोध को पीजा या इस क्रोध को थूक दे। ये क्रुद्ध होने का समय नहीं, ये पराविद्या लक्ष्मण मोक्षदायिनी है, इसका जीवन में आना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री लक्ष्मण को उपदेश देके शांत करते हैं। शांत देवियों वही कर सकेगा ना जो स्वयं शांत होगा, दूसरों के मन को स्थिर वही कर सकेगा जिसका अपना मन स्थिर होगा। जिसका अपना मन बैलेंस्ड होगा वह दूसरों को बैलेंस्ड रहने का उपदेश दे सकेगा और उन्हें मन को बैलेंस्ड रखने में सहायता प्रदान कर सकेगा। अन्यथा सामान्य व्यक्ति को क्या बोध है कि बैलेंस्ड मन किस प्रकार से रखा जाता है, मन को किस प्रकार से स्थिर किया जाता है, वह क्या समझाएगा कि इस प्रकार से स्थिर करना चाहिए। मुसीबत के ऊपर मुसीबत आती जा रही है, लेकिन प्रभु राम किसी से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जा रहे। मेरे ऊपर मुसीबत आई है, समस्याओं का पहाड़ मेरे सिर के ऊपर टूट पड़ा है, इन मुसीबतों से मैं बच जाऊं, ये मुसीबतें टल जाएं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसा राम के चरित्र में कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपने अनेक बार रामायण जी का अध्ययन किया है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक ही शब्द सुनाते हैं, एक ही शब्द में सारी रामायण जो है वह समाप्त की जा सकती है, कही जा सकती है, वर्णन की जा सकती है। राम अपने जीवन से यही सिखाते हैं, इन समस्याओं को रोका नहीं जा सकता। जिंदगी में सहन करना सीखो तो मेरी तरह सदा शांत बैलेंस्ड रहोगे। सुखी जीवन जीने की कला, शांत जीवन जीने की कला भगवान राम का चरित्र सिखाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अयोध्या में है या जंगल में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां से उन्हें सम्मान मिल रहा है या वहां अपमान मिल रहा है,
यहां पर उनका स्वागत हो रहा है और वहां पर उन्हें युद्ध करना पड़ रहा है। राम सब स्थानों पर बिल्कुल एक जैसे हैं, उनकी मानसिक दशा बिल्कुल बैलेंस्ड है, अविचल। किसी स्थान पर प्रभु राम विचलित नहीं हुए। ये सबसे बड़ी शिक्षा है साधकजनों, प्रभु राम एवं मातेश्वरी के जीवनों से, चरित्रों से। जारी रखेंगे साधकजन इस चर्चा को आगे, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।